चल पड़े हैं हम, ये जीत की तैयारी है, ये जीत की तैयारी है। चल पड़े हैं हम, ये जीत की तैयारी है। हमेशा ही कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन ये काम करूंगा ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था। तीन साल पहले हमारे पास सिर्फ 1,000 कस्टमर्स थे और हमारा रेवेन्यू भी 3 से 4 लाख रुपए का था। अब हमारे पास 20,000 कस्टमर्स हैं और हमारा रेवेन्यू 70 से 80 लाख रुपीस हो गया है। पहले हमारी टीम सिर्फ 4 लोगों की थी, अब हमारी टीम भी बढ़कर 20 लोगों की हो चुकी है। रिस्क तो था ही, कॉलेज छोड़ने के बाद नौकरी नहीं करना इस काम को करने में, बट कुछ अलग तो करना ही था, तो हमने इसे ही चूज किया। जब मुझे ही अपने घर का कबाड़ बेचने में, डिस्पोज करने में प्रॉब्लम फेस की, तो मैंने देखा कि इसका कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो। तो मैंने अपने जो फैकल्टी थे उनसे डिस्कस किया कि इसका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना चालू करते हैं। हम लोग काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए, तो देखा कि कबाड़ी वाला एक समस्या थी लोगों के लिए। जब लोग काम करते थे तो कबाड़ी के लिए वेट करना पड़ता था, कोई टाइम फिक्स नहीं होता था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कबाड़ीवाला.com की स्टार्ट किया। सेल्स तो पहले ही दिन से शुरू हो गई थी, लेकिन हमें टाइम लगा कस्टमर को समझने में, क्योंकि आपको तो पता ही है कस्टमर का जो कबाड़ी के प्रति जो रवैया रहता है वो बड़ा ही अजीब होता है। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि उनके घर कोई एजुकेटेड बंदा आता है, कोई एजुकेटेड पिकअप बॉयज आते हैं जो कि ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से। हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि वो एनवायरनमेंट की मदद कर सके। जैसे कि हमने ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, इसमें यूज़र लॉगिन करके चेक कर सकता है कि उसकी रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, उसने कब रिक्वेस्ट की थी, और प्रीवियस रिक्वेस्ट भी चेक कर सकता है। बाकी उसे ये भी चेक कर सकता है कि उसने कितने पेड़ बचाए हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव की है, उसे सब कुछ पता चल सकता है। जब हम कस्टमर के यहाँ रिक्वेस्ट पिकअप करने पर जाते हैं, तो हम कस्टमर को बताते हैं, एजुकेट करते हैं रिसाइकिलिंग को लेके, सेग्रीगेशन को लेके। हम उन्हें दो ऑप्शन देते हैं, वो चाहे तो अपना कबाड़ हमें बेच सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं। अगर वो डोनेट करते हैं तो वो जो कबाड़ हमें देते हैं उस कबाड़ का जो अमाउंट होता है वो एनजीओ को जाता है, जो किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई पे इन्वेस्ट होता है। हमारी फर्स्ट सेल्स 1 मार्च 2013 में ही आई थी। भले ही हमें इस रिक्वेस्ट में सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। जैसे कि एक चैलेंज था कलेक्शन का। हमने सोचा कि जो एग्जिस्टिंग कबाड़ी वाले हैं हम उनसे कलेक्शन करवाएं, बट वो नहीं कर पाए क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ था। टेक्नोलॉजी वो अभी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ऐप हो गया है, डिजिटल मशीन हो चुका है, इसलिए हमारा वो जो प्लान था वो फेल हो गया। अब लेकिन हमने उसके बाद एक लर्निंग मिली हमें, और हमने अपना खुद का पूरा सेटअप किया कलेक्शन का और पिकअप व्हीकल्स अरेंज करवाए। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इनिशियली हमें काफ़ी लॉस हुआ था, क्योंकि हमें पता नहीं था किस मटेरियल की क्या वैल्यू होती है, और हमने उन मटेरियल के लिए भी जिनकी वैल्यू काफ़ी कम थी उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे किया। फिर हमने जाके मार्केट में रिसर्च की, पता किया, लोगों से जाके मिले कि किस मटेरियल की क्या वैल्यू होती है। हमें लगभग 1 साल लग गया इस चीज़ को पता करने में कि मटेरियल की वैल्यू सही वैल्यू क्या है। अब जाके हम उस चीज़ को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अब हमारा बिजनेस सही ट्रैक पर चल पा रहा है। पहले सब रिश्तेदार दोस्त सब मजाक उड़ाते थे कि इतना पढ़ने के बाद भी कबाड़ का काम कर रहे हो, बट अब जैसे उन्हें दिख रहा है कि काम चल रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, तो अब वो भी प्रोत्साहित देते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो। जब हमारा बच्चा पढ़ के निकला तो उसने बोला मैं कबाड़ का काम करना चाहता हूँ। मुझको बहुत ख़राब लगा, इतना पढ़ाया लिखाया और इंजीनियरिंग बनाया और आप कबाड़ का काम करना चाहते हैं, तो थोड़ा फील भी लगा, ख़राब भी लगा। फिर उसको आके उसने करना शुरू किया, फिर मैं आके देखा अभी तो उसका काम कबाड़ी वाले का बहुत ही अच्छा लगा। ऑनलाइन में सर्च कर रहा था कबाड़ी वाला.com, इनको मैंने कॉल किया,
सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर लेके आते हैं, उसमें वजन करते हैं स्क्रैप का, और प्रॉपर इनकी वेटिंग भी होती है और कैश भी इनका तुरंत मिलता है। अभी तक जो कबाड़े वाले आते थे उनकी टोल सही नहीं होती थी और हमें उनको ढूंढने के लिए बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता था, कहाँ है फिर उसका वेट करते थे, उसमें टाइम जाता था। अभी हमको कोई असुविधा नहीं होती है, सुविधाजनक सर्विस है और ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है। धीरे धीरे हमें बिजनेस पोटेंशियल दिख रहा है, आने वाले समय में हम इसे बाकी शहरों में भी लॉन्च करना चाहेंगे। अभी हम रिसाइकलिंग पार्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम रिसाइकलिंग खुद करना चाहेंगे, जिससे हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और जिससे हमें 200% ऑलमोस्ट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमारा वर्किंग स्टाइल काफ़ी रिलैक्स है, क्योंकि हम एक आम कबाड़ी वाले से, एक रिसाइकलिंग बिजनेसमैन से और हमारे बड़े बड़े क्लाइंट से डील करते हैं, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है हमें किससे कैसे डील करनी है, कैसे बिजनेस करना है, और जिससे हमारे वर्क कल्चर को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जो भी नए लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या अपना कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी ये एडवाइस है कि वो काम करें और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचे। कोई कुछ भी बोल रहा है तो ध्यान नहीं दे, बस अपना काम करे। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सपने वो जो सोने ना दे, जुनू जो हौसला खोने ना दे, कौन है जो रोके हमें, ये मुकाबला खुद से है। चल पड़े हैं हम, ये जीत की तैयारी है। चल पड़े हैं हम, ये जीत की तैयारी है। वक्त आएगा ये सोचना है क्या, यही वक्त है, यही वो लम्हा, जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें किसने हमें रोका, हमें किसी की गरज ना, हम खुद को देंगे मौका। 100 मुश्किलों पर हौसला भारी है। चल पड़े हैं हम, ये जीत की तैयारी है। चल पड़े हैं हम, ये जीत की तैयारी है। ये जीत की तैयारी है। चल पड़े हैं हम, ये जीत की तैयारी है। चल पड़े हैं हम, ये जीत की तैयारी है। चल पड़े हैं हम, ये। अब देर किस बात की, शुरू करें कारोबार अपना। हम, ये जीत की तैयारी है।